कोरोना का ओमाइक्रॉन वेरिएंट डरा रहा है, लोगों को तेजी से संक्रमित कर रहा है। देश कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन इतना सब के बावजूद काशी के लोग कोरोना को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं दिख रहे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम आपको जिस टेस्ट लैब में लेकर आए हैं, यहाँ के आंकड़े कुछ वही बयां कर रहे हैं। दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस स्लोगन को ब्रह्मास्त्र बताया गया, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या लोग मास्क लगा रहे हैं और क्या लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ख्याल रख रहे हैं। कम से कम ऐसा नहीं है। वाराणसी के 80 घाट पर हम मौजूद हैं और यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या यहाँ पर आपको लगता है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए, हल्की बारिश हो रही है, बावजूद इसके लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए उमड़े हैं। BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल की इस लैब में दिन रात कोरोना के टेस्ट की जांच चल रही है। इस लैब के ऊपर वाराणसी के साथ साथ करीब पूर्वांचल के एक दर्जन जिलों की जिम्मेदारी है। डॉक्टर दिन रात अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ यहां ओमाइक्रॉन का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि कोरोना के लगभग 90% मरीजों में ओमाइक्रॉन के लक्षण सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक आने वाले दिनों में ओमाइक्रॉन का दायरा और तेजी से बढ़ेगा। फिलहाल बीते दो दिनों में वाराणसी में 100 कोरोना पीड़ितों में ओमाइक्रॉन के लक्षण मिले हैं। आइए इस पर डॉक्टर का क्या कहना है, सुनते हैं। ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि पिछली वेव जो हमने देखी थी 2021 में जो डेल्टा के कारण आई थी, इस वाली वेव में हम जैसा देख रहे हैं कि अभी जो सीक्वेंसिंग करने पे हमें सैंपल्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे ओमिक्रॉन के हैं। तो ये दर्शा रहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट था, जो स्प्रेड था, उसको ओमिक्रॉन ने रिप्लेस कर दिया है। तो अभी हमें सब ओमिक्रॉन ही दिख रहा है और जैसा कि पीक बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत तेजी से पॉजिटिव हो रहे हैं, तो इससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो ओमिक्रॉन है इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने की जो इसकी क्षमता है वो डेल्टा से भी कहीं ज्यादा है। डॉक्टर की अपील को भी दरकिनार कर ये लोग कोरोना से बेखौफ होकर बदलते मौसम का लुत्फ उठाते साफ देखे जा सकते हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग, ना चेहरे पर मास्क, कहीं ये लापरवाही वाराणसी को भी बड़े संकट में न डाल दे।